साल का पहला बड़ा गंगा स्नान मकर संक्रांति का पर्व आज है। इस स्नान पर्व का काफी महत्व है। मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं। मकर संक्रांति के स्नान को काफी खास माना जाता है, इसलिए हरिद्वार में मकर संक्रांति पर माँ गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ी है। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं और भारी कोहरे और ठंड के बावजूद श्रद्धालु हरिद्वार में माँ गंगा के घाटों पर स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। हम अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार, मेरे क्षेत्र, मेरे पूरे संसार, यूपी, जहाँ तक मान लो गंगा मैया का आशीर्वाद पहुँचे, सब पवित्र हैं, सब खुश रहें। सर्दी बहुत है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भी बहुत बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आज है 14 तारीख, मकर संक्रांति है, जिसके शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ पे स्नान करने आए हैं। आज के दिन दान पुण्य और स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं। कोरोना को देखते हुए हम सभी को यह नियमबद्ध तरीके से संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे आप मास्क लगाते हो, सभी को मास्क लगाना चाहिए और सभी को कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। मकर संक्रांति का स्नान है, बहुत अच्छे ढंग से अभी चल रहा है, लोग काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। फिलहाल इस बार जो है हमें क्राउड कंट्रोल के साथ साथ कोविड कंट्रोल भी एक बड़ा चुनौती है, तो हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है पालन करा रहे हैं। और एंटायर पुलिस फोर्स जो है इसमें कल से लेकर के पूरा लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये एंटायर जोन को जो है हमने वैसे 7 जोन्स और 20 सेक्टर में बांटा गया है, तो पूरा जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी जो है दिन रात जो है पूरा ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से अभी तक मैनेज हुआ है। रिहर्सल टाइप का भी हो जाएगा, मेन स्नानों के लिए जो है हमारा एंटायर फोर्सेस है उनका भी एक एक्चुअल ट्रायल भी हो जाएगा। इसमें कुंभ पुलिस इसमें इस बार मेला का ड्यूटी में भी लगे हैं, तो इसलिए जो है उनका भी एक रिहर्सल टाइप का जो है ट्रायल अटेम्प्ट हो जाएगा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट।